नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2021 के साल में भारत की लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और विधान परिषदों और कॉमनवेल्थ देशों की संसद में जिन जिन शब्दों को कार्यवाही से हटाया गया है, उन शब्दों की सूची प्रकाशित हुई है। संसदीय कार्यवाही में शब्दों को हटाने का अधिकार स्पीकर का होता है। सवाल यहां अधिकार और नियम का नहीं है। विपक्ष की तरफ से बहस उन शब्दों को लेकर हो रही है जिन्हें पिछले साल असंसदीय मानकर हटाया गया। इस सूची को देखने से सभी शब्दों के मामले में नहीं पता चलता कि किस शब्द को किस संदर्भ से और किसके भाषण से हटाया गया है। क्या एक बार जो शब्द असंसदीय सूची में आ जाता है उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा? लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पिछले साल के संदर्भ अलग थे, उन संदर्भों में इन शब्दों को हटाया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन पर बैन लग गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से उठाए गए सवालों के साथ अच्छी बहस तब और हो सकती थी जब हटाए गए शब्दों के संदर्भ हमारे सामने होते। देखने को मिलता कि हटाए गए जिन शब्दों को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है उसे विपक्षी सांसदों और विधायकों ने किस संदर्भ में बोला है या सत्ता पक्ष ने भी बोला है। इस सूची में लिखा है कि असंसदीय शब्दों का संकलन है, आगे से इनका इस्तेमाल होगा या नहीं स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन पिछले वर्ष जिन शब्दों को हटाया गया उनकी तरफ मुड़कर देखने से कोई बड़ा नुकसान नहीं। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही से तानाशाही, तानाशाह, डिक्टेटोरियल को हटा दिया गया। अब यह स्पष्ट नहीं है कि क्या विपक्ष ने सत्ता पक्ष के किसी को तानाशाह कह डाला, किसे तानाशाह कहा, किस मामले में तानाशाही का जिक्र हुआ। कई बार सरकार भी आरोप लगाती है कि विपक्ष की तानाशाही नहीं चलेगी। क्या इस पर बहस नहीं हो सकती कि यह असंसदीय कैसे है, या स्पीकर का विशेषाधिकार इस बहस को रोकता है कि आप नहीं कर सकते हैं? क्या यह देखना नहीं बनता है कि इस शब्द में ऐसा क्या है जिसे असंसदीय माना गया? भारत में हर प्रधानमंत्री को तानाशाह कह दिया जाता है, हर सरकार को जनता ही तानाशाही कह देती है, तब फिर यह शब्द असंसदीय कैसे होगा? सभी शब्द अलग अलग सदनों के स्पीकर के द्वारा नियमों के तहत ही हटाए गए हैं। लेकिन क्या इस बहस का यही एकमात्र जवाब है, अंतिम जवाब है, जबकि बहस में यह सवाल ही नहीं है कि नियम के खिलाफ हुआ या ऐसा करना स्पीकर का अधिकार नहीं था? ये सारे चेहरे तानाशाहों के, जिन्होंने न केवल लोकतंत्र को बर्बाद किया बल्कि लाखों की संख्या में अपनी ही जनता को मार दिया, गैस चेंबर में डाल दिया तो किसी ने भूखमरी से मार दिया तो किसी को साइबेरिया भेज कर। इनके चेहरों को याद करने के लिए एक ही शब्द है, तानाशाह और तानाशाही। इन शब्दों के जरिए जनता बार बार खतरे की घंटी बजाती है कि लोकतंत्र फिसल कर तानाशाही की तरफ ना चला जाए। क्या इन चेहरों, नामों और इनकी करतूत के लिए बने शब्दों के बिना आप लोकतंत्र के बड़े खतरों की बात कर सकते हैं? क्या आप तानाशाही और तानाशाह के बिना लोकतंत्र के खतरे की चेतावनी दे सकते हैं? हमें याद रखना चाहिए कि तानाशाही का इस्तेमाल विपक्ष भी करता है और सरकार की तरफ से भी किया जाता है। इसलिए यहां यह सवाल वाजिब हो जाता है कि किसकी आलोचना को रोकने के लिए तानाशाह के इस्तेमाल को हटाया गया, स्नूप गेट को हटाया गया। फिर बीजेपी ही आपातकाल पर चर्चा करते हुए सदन में कभी तानाशाही का इस्तेमाल नहीं करेगी? जिन शब्दों को पिछले साल असंसदीय घोषित किया गया उनकी बात पब्लिक में हो सकती है, मगर संदर्भ सही होने चाहिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर शब्द पब्लिक के संघर्ष से ही निकले। इसलिए बात हो सकती है कि पिछले साल उसके हिस्से के किन किन शब्दों को असंसदीय घोषित किया गया। असंसदीय शब्दों की सूची से पता नहीं चलता कि जुमला जीवी का इस्तेमाल किसने किया और किसके बारे में किया। 9 फरवरी 2021 को लोकसभा की कार्यवाही से जुमला जीवी शब्द को असंसदीय मानकर हटाया जाता है, जबकि उससे ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में आंदोलनजीवी का इस्तेमाल करते हैं। आंदोलनजीवी की प्रतिक्रिया में जुमलाजीवी आता है। आंदोलनजीवी असंसदीय नहीं है, जबकि उसके इस्तेमाल पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई थी। जुमलाजीवी असंसदीय बताकर हटा दिया जाता है। जो आंदोलनजीवी है वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं,
और आंदोलन के से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके ढूंढ बता देते हैं, देश आंदोलन जीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको। और ये उनकी ताकत है, उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। देश की जुमला जीवी सरकार और झूठ जीवी सरकार ने पेट्रोल डीजल और गैस के दाम आसमान तक पहुंचा दिए हैं। हर भारतवासी के घर का बजट बिगाड़ करके रख दिया है। अब हम कह सकते हैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो डीजल 90 पेट्रोल 100। कई बार जब शब्द हटाए जाते हैं तब चर्चाएं होती, लेकिन कई बार नहीं भी होती हैं। इस सूची से हटाए गए शब्दों को समग्र रूप से देखने का मौका तो मिलता ही है। अगर असंसदीय घोषित होने वाले शब्दों में ऐसे शब्द हैं जिन्हें विपक्ष अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है और उन्हीं को हटाया गया है, तो इसे लेकर विपक्ष की चिंता बहुत हद तक वाजिब लगती है। जैसे विश्वासघात शब्द विपक्ष की राजनीति का केंद्रीय शब्द रहा है, इसके बगैर विपक्ष का नेता किसी सरकार को उसके वादे कैसे याद दिलाए। विश्वासघात किस संदर्भ में असंसदीय रहा होगा यह हम नहीं जानते हैं, यह जानना बहुत जरूरी भी है। प्रेस में अमित शाह कह सकते हैं कि सभी के खाते में 15 लाख देने का वादा जुमला था, लेकिन इसी बात को लेकर कोई सांसद लोकसभा या राज्यसभा में सरकार को घेरे और कह दे कि आपकी सरकार जुमला जीवी सरकार है, तो क्या जुमला जीवी असंसदीय माना जाएगा? अमित शाह ने जुमला शब्द नहीं गढ़ा था, क्योंकि यह शब्द अरबी का है। अरबी के शब्द के इस्तेमाल से हिंदी समर्थक अमित शाह ने अपने ही नेता के वादे को जुमला कह दिया। मौजूदा राजनीति में जुमला को प्रचलन में लाने का श्रेय अमित शाह से कोई नहीं ले सकता। फरवरी 2015 में अमित शाह ने कह दिया कि काला धन वापस आने और सबके खाते में 15 लाख देने की बात जुमला है, लेकिन तब तक जुमला जीवी शब्द अस्तित्व में नहीं आया था। यह शब्द आता है प्रधानमंत्री के आंदोलन जीवी के जवाब के बाद। क्या आपको पता था, क्या फिर से जानने में कोई बुराई है कि जुमला जीवी को असंसदीय मानकर कार्रवाई से हटाया गया? क्या इसी बहाने हमें जुमला के इस्तेमाल पर लौटने का मौका नहीं मिला? या कौन कह सकता है कि इस आधार पर कभी इसे असंसदीय मानकर नहीं हटाया जाएगा? इसका फैसला तो स्पीकर करेंगे और संदर्भों के आधार पर करेंगे, वही बता सकते हैं। उस वक्त दोनों ही शब्दों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना नहीं है, एक सत्ता पक्ष से आया है और एक विपक्ष से। आप सिर्फ यह नहीं कह सकते कि शब्दों का मामला बहुत खास नहीं है। यह खबर तो याद होगी, अप्रैल के महीने में कई अखबारों में उमर खालिद के मामले में सुनवाई की खबर छपती है। दिल्ली हाईकोर्ट में जज ने सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री के लिए जुमला शब्द का इस्तेमाल उचित है। जागरण के अनुसार कोर्ट ने कहा कि जब सरकार की आलोचना की बात आती है तो उसके लिए भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के अमरावती में खालिद द्वारा दिए गए भाषण को सुनने के बाद अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र नेता और दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के बारे में जुमला शब्द इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने उमर खालिद के व्यवहार और शब्दों को लेकर पूछा क्या यह उचित है। तो जुमला जीवी के बहाने हम कितने ही पहलुओं पर लौट सके, इन संदर्भों और तारों को जोड़िए संसद के भीतर और बाहर की राजनीति और अदालत की कार्यवाहियों में शब्दों को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, उन सब के साथ असंसदीय शब्दों की सूची को भी देखिए, तो आज का समय समझ आएगा। तब आप समझ पाएंगे कि जुमला जीवी को असंसदीय बताकर हटाने के क्या क्या पहलू हो सकते हैं। 2021 में संसद के दोनों सदनों से लेकर विधानसभा, विधान परिषदों और कॉमनवेल्थ देशों की संसद में जिन शब्दों को असंसदीय मानकर रिकॉर्ड से हटाया गया, उन्हीं शब्दों की यह सूची है। ऐसा भी नहीं है कि सारे शब्द गैर जरूरी तरीके से हटाए हैं, यह बहुत अहम बात है। कई शब्दों को बहुत ही वाजिब तरीके से हटाया गया, इनके बारे में भी जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी छूट हटाए गए सभी शब्दों को समान रूप से नहीं मिल सकती है, उनकी व्याख्या अलग अलग होगी।
अंग्रेजी के इन शब्दों को लेकर विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि इनके बगैर कैसे बोले, जैसे बिट्रेल, बिट्रेड, करप्ट, कर्स, कावर्ड, क्रोकोडाइल टीयर्स, शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स, आई वॉश, फेक, फ्रॉड, गैग, इनकॉम्पिटेंट, अशेम्ड, बीटन विद शूज, मर्डर, लूटिंग, पोस्टर बॉय। विपक्षी दलों के नेता पूछ रहे हैं कि इनमें ऐसा क्या है जिससे संसद की गरिमा प्रभावित हुई होगी। यह जिज्ञासा तो पैदा होती ही है कि फ्रॉड, फेक, अशेम, करप्ट या कावड़ को क्यों हटाया गया। यह तभी पता चलेगा जब आप हटाने के संदर्भ को जानेंगे। इन्हें आगे नहीं हटाया जाएगा, इसका संबंध भी स्पीकर के फैसले और उस समय के संदर्भ से होगा। यह जरूर पूछ सकते हैं कि अगर मर्डर असंसदीय है तो क्या मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बोलने की इजाजत होगी। देखा जाएगा जब इसका इस्तेमाल होगा। हिंदी के शब्दों की सूची को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। काला दिन, काला बाजारी, नौटंकी, दलाली, धज्जियां उड़ाना, इन सबको हटाया गया। राज्यसभा से विधायकों के लिए खरीद फरोख्त के इस्तेमाल को असंसदीय मानकर हटाया गया। लोकसभा से गद्दार शब्द को हटाया गया। चीरहरण, चोर, कोयला चोर, गोरू चोर, जयचंद को हटाया गया। इस बहस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किस सांसद ने किसे क्या कहा पता नहीं, लेकिन किस अहम और अहंकार में डूबे हैं इस वाक्य को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाया गया। विपक्ष के नेताओं ने इस सूची को देखते ही सवाल उठा दिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि वे इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और निलंबित किए जाने का खतरा उठाएंगे। क्या जुमला जीवी से आप प्रधानमंत्री को अलग कर सकते हैं? विपक्ष ने जब भी यह आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी के ही संदर्भ में लगाया है और उनकी पार्टी के संदर्भ में। देखिए, ये तो शब्द वहां पर एक किताब बनती है, कौन से शब्द अनपार्लियामेंट्री है और कौन से शब्द पार्लियामेंट्री होते हैं। तो हमने जो जो शब्द उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में कहा है, बोला है, वही शब्द हम बोलेंगे और वो बताएंगे उनको भाई उनके डिबेट में उन्होंने क्या कहा। जब करप्शन की बात आती तो क्या करप्शन बोलने का छोड़ के कुछ और बोलते थे? आपके ये जुमले हैं उन्होंने कहते थे, क्या उससे छोड़ के और कोई बात उन्होंने कही है? तो जब खुद वो कहते हुए आए हैं, आज उनको क्यों लग रहा है कि वो शब्द ठीक नहीं है? आज वो कहते हैं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे दिन कहेंगे कि सदन के अंदर आना है तो भगवा ड्रेस पहन के आओ। तीसरे दिन कहेंगे कि सदन में आना है तो निरामिष भोजन करके आओ। तो ये सरकार, ये देखने का जिम्मेवारी सरकार की है और किसी के नहीं है। ये रूल्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। ये तो सेकेंड पार्लियामेंट बना रहे हैं ना, सेकेंड रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। तो ये सेकेंड रिपब्लिक में नया वो संविधान बनाने की भी कोशिश करेंगे, सदन के नया रूल भी लाने की कोशिश करेंगे। ये तो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट तो नहीं है ये, कि नया व्याकरण रचना कर रहे हैं क्या? सरकार जो है, जितने इस देश में इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर दबाव बना करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहती है। लेकिन हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, हम सरकार की इस मंशा को इतनी आसानी से कामयाब नहीं होने देंगे। इस प्रकार का आलम है कि हम इन शब्दों के विरोध में इस गैग ऑर्डर को सरकार की तानाशाही भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द तानाशाही भी इस अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की लिस्ट में सरकार ने जोड़ दिया है। ये गैग ऑर्डर देखकर लगता है कि सरकार सच्चाई से डरती है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सरकार इस बहस को विपक्ष का दिवालियापन मानती है। विपक्ष ने बिना तथ्यों को जाने विवाद का रूप दे दिया। हर साल ये सूची निकलती है। कई सारे शब्द यूपीए सरकार के समय भी हटाए गए। इसमें कॉमनवेल्थ देशों की सूची भी है। इस खंडन के लिए भी सूत्र आ गया है। पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा में हटाए गए शब्दों का उदाहरण देकर नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा और राज्यसभा में जिन शब्दों को हटाया गया उनको लेकर आप बहस नहीं कर सकते, आपकी जिज्ञासाएं गलत हैं।
अगर 9 मार्च 2021 को पंजाब विधानसभा में लॉलीपॉप शब्द को हटाया गया तब इस पर भी बहस हो सकती है कि हम इस स्थिति में कैसे आ गए हैं कि लॉलीपॉप से भी कोई आहत होने लगा। विधायक ने अगर बजट की घोषणा को लॉलीपॉप कह दिया तब यह पंजाब की कांग्रेस पर भी सवाल है कि उसके भीतर शब्दों की लोकतांत्रिक समझ कैसी है। लेकिन लॉलीपॉप तो लोकसभा की कार्यवाही से भी हटाया गया, एक बार नहीं तीन तीन बार, 13 फरवरी, 10 अगस्त, 9 दिसंबर 2021 को लॉलीपॉप लोकसभा से हटाया गया। हम संदर्भ नहीं जानते, ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या यह सवाल यहां समाप्त हो जाता है कि कांग्रेस के दौर में भी हुआ, मोदी सरकार के दौर में भी हुआ? जबकि स्पीकर ओम बिरला कहते हैं कि यह सरकार के निर्देश से नहीं होता है, दोनों सरकारों के दौर में हुआ तो गलत को सही मान लिया जाए। सरकार के सूत्रों के जवाब में कर्नाटक का उदाहरण क्यों नहीं था, जहां की विधान परिषद में चमचा और चमचागिरी शब्द को असंसदीय मानकर हटा दिया गया। कर्नाटक के मंत्री को किसी ने इर्रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर कह दिया तो इस शब्द को हटा दिया गया। क्या मंत्री गैर जिम्मेदार नहीं होते, या इसके अलावा और कौन से संदर्भ रहे होंगे? छत्तीसगढ़ की विधानसभा से अक्षम सरकार, अनर्गल, अंट शंट हटा दिया, हत्या, सांप, शर्मनाक, उल्टा चोर, कोतवाल को डांटे भी हटाए गए। वहां के संदर्भ क्या रहे होंगे? राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही से विनाश पुरुष क्यों हटाया जाता है? इस पर भी बीजेपी को सवाल करना ही चाहिए, पूछना चाहिए कि कांव कांव करना कैसे असंसदीय है। इससे पता चलता है कि हमारी राजनीति में आरोपों और शब्दों के प्रति कितनी सहनशीलता बच गई है। संसद को विधानसभा के लिए आदर्श बनना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सूत्रों के हवाले से विधानसभाओं का उदाहरण दे रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। असंसदीय मानकर हटाए गए सभी शब्दों के लिए आप एक पैमाना नहीं बना सकते। कुछ ऐसे शब्द भी हटाए गए हैं जिनमें जातिगत पूर्वाग्रह है, किसी पेशे को लेकर जातिगत और धार्मिक टिप्पणियां हैं, और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। इनकी प्रशंसा की जानी चाहिए कि सदन के पीठासीन अधिकारी ऐसे शब्दों के इस्तेमाल को लेकर काफी सजग हैं। जैसे लोकसभा से छोकरा शब्द का हटाना कहीं से अनुचित नहीं है। अंधा बांटे रेवड़ी को छत्तीसगढ़ की विधानसभा से हटाया गया तो राजस्थान विधानसभा से अनपढ़ टाइप को हटाया गया। भाषा से असंवेदनशील शब्दों की सफाई एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके नाम से लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्षों वाले शब्दों को ही साफ कर दिया जाए तब तो ना शब्द बचेंगे ना लोकतंत्र। इसलिए बहस होती रहनी चाहिए। अगर शब्द ही आपसे छीन लिए गए तो क्या बचेगा? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्यवाही से गुंडागर्दी हटा दिया गया। यही नहीं, मंत्री हमारे खिलाफ गुंडागर्दी करते हैं। क्या ये बाहुबली की सरकार है, गुंडों की सरकार है? इसे भी हटाया जाना बहस का विषय नहीं हो सकता। जिस तरह से शब्दों और तस्वीरों के इस्तेमाल से पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, उन पर यहां से लेकर वहां तक FIR हो रही है ताकि जेल में ही रहे, उस संदर्भ में ये बहस बिल्कुल ही गैर वाजिब नहीं लगती। आखिर एक राज्य के कितने जिले की पुलिस जुबैर से पूछताछ करना चाहती है? उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि यूपी में जुबैर के खिलाफ 6 FIR हुई है, उसे रद्द किया जाए। महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ केतकी चिताले ने लिख दिया तो करीब 1.25 महीने से भी ज्यादा समय तक उन्हें जेल में डाल दिया गया। केतकी के मामले में अगर पुलिस की मनमानी है तो इसलिए जुबैर के मामले में होनी चाहिए। क्या केतकी चिताले से ही पूछा जाए कि इसके पहले जिन लोगों को बोलने भर के लिए पुलिस ने जेल में डाला, क्या वे उनकी रिहाई के लिए मोर्चा लेकर गई थी, सिद्दीक कप्पन के लिए गई थी? क्या हम इन मामलों पर इस तरह बहस करेंगे कि केतकी पर कौन चुप रहा और जुबैर पर कौन चुप रहा? क्या इस तरह से हर गलत को सही किया जाता रहेगा? लोकतंत्र की हत्या से पहले शब्दों के जरिए विचारों को मारा जाता है, फिर उन शब्दों को ही मारा जाने लगता है। जब आप सवाल उठाने वाले को गद्दार कहते हैं और जब आप सवाल उठाने वालों से उसके शब्द छीन लेते हैं कि आप जुमलाजीवी या तानाशाही का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहस हो सकती है, अध्ययन हो सकता है। एंटी नेशनल कर कह सकते हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के लिए हुआ। इस विषय से थोड़ा सा अलग हटते हुए जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 का यहां जिक्र जरूरी है। 1949 की रचना है, इसका नायक साइम विंसेंट स्मिथ भी
पुराने शब्दों को मिटाकर नए शब्दों को जमा करता है जो उसके देश के नायक बिग बॉस इस्तेमाल करते हैं। इस उपन्यास में काल्पनिक देश है ओशिनिया। इसका तानाशाह चाहता है कि एक नई भाषा गढ़ी जाए जिसका नाम न्यू स्पीक है। ओशिनिया में चुप रहने वालों की भी खैर नहीं, उनके चेहरे के हाव भाव पढ़े जाते हैं। अगर बिग बॉस के प्रति उनके चेहरे के हाव भाव में उदासीनता नजर आती है, निष्ठा या आदर में कमी दिख जाती है, तो उसे अपराध माना जाता है जिसे फेस क्राइम कहते हैं। बिग बॉस के शब्दों का संकलन कर रहा विंसेंट बताता है कि भाषा में हजारों ऐसी संज्ञाएं, क्रियाएं और विशेषण होते हैं जिन्हें आसानी से समाप्त किया जा सकता है। हमें किसी शब्द का विलोम ही क्यों चाहिए? मिसाल के तौर पर गुड के लिए बैड की क्या जरूरत है? बिग बॉस चाहता है कि नागरिक के पास कम से कम भाषा रहे, कम से कम शब्द, उतने ही शब्द रहें जिससे वो केवल सरकार के आदेश को समझ सके, इसी लायक बचा रहे। अगर भाषा खत्म हो जाती है तो उससे समाज का कोई नुकसान नहीं होता है। इस उपन्यास का नायक ओशिनिया के तानाशाह की हर चाल को समझ रहा है। एक जगह कहता है कि क्या आपको दिखाई नहीं देता कि न्यू स्पीक की भाषा आपके विचारों को उड़ान भरने से रोकती है, उसके पंख काट देती है। एक दिन कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचेंगे तो आप तानाशाह के अपराधों को कैसे बयां करेंगे जब शब्द ही नहीं रहेंगे? इसलिए कहता हूं कि 1984 पढ़ा कीजिए। अब तो यह किताब हिंदी में भी है, अभिषेक श्रीवास्तव ने अनुवाद कर दिया है, राजकमल प्रकाशन ने छाप दिया है। इस उपन्यास का एक प्रसंग भारत सहित कई देशों में अक्सर दिख जाता है। अब इसमें ऑरवेल लिखते हैं कि ओशिनिया की मीडिया में हर दिन कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है 2 मिनट हेट। क्या ठीक ऐसा ही गोदी मीडिया की बहसों में नहीं होता? 2 मिनट की जगह आधे आधे घंटे के डिबेट में नफरत नहीं फैलाई जाती? समाचार एजेंसी ANI ने लोकसभा के उच्च पदस्थ सूत्रों के हवाले से इस प्रकरण पर विस्तार से छापा है। सूत्र ने जितनी लंबी सफाई दी है उससे तो बेहतर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही हो जाती है। इसे रूटीन और नियमों के तहत बताते हुए विद्वान सूत्र ने बताया है कि 2011 में भी बेईमान शब्द, डिसऑनेस्ट शब्द हटाया गया, 2012 में शेम, चीटिंग, चोरी और लूट शब्द हटाए गए। सूत्र ने यह भी बताया है कि कोई भी शब्द जो संसदीय परंपरा के विपरीत हो और सदन की गरिमा को कम करता हो उसे हटाने का अधिकार स्पीकर को है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी इस मामले पर और स्पष्टीकरण दिया है और साफ साफ कहा है कि पिछले साल जिन शब्दों को जिन संदर्भों में असंसदीय मानकर हटाया गया, जरूरी नहीं कि आगे भी उसी तरह होता रहे। किसी शब्द को बैन नहीं किया है, उस समय के संदर्भ में जब जब भी आवश्यक हुआ तो विलोपित किया है, और कोई भी माननीय सदस्य को उस समय जब उनको उनके भाषण की प्रति दी जाती है उस समय उनको कोई आपत्ति हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, कि आपने मेरे उन शब्दों को विलोपित किया है, वो विलोपित करना उचित नहीं था, किस कारण से किए, अगर वो सचिवालय के अंदर कोई नोटिस देते हैं तो सचिवालय उस नोटिस पर उनको जवाब देता है। ये सारे शब्द जो विलोपित किए गए हैं उनकी जो भी माननीय सदस्यों ने बोले उनकी जानकारी में, अच्छा होता कि अगर विलोपित शब्दों के अंदर उनकी आपत्ति होती तो वह सचिवालय को जानकारी देते। हम फिर भी हम उचित समझते, लेकिन न्याय का अधिकार, क्योंकि नियम प्रक्रिया के अंदर पीठासीन अधिकारी का अधिकार है, हम उनकी बात सुनते। हमें उसके बाद भी लगता है कि नहीं, ये असंसदीय है तो ये अधिकार हमें है, नियम प्रक्रियाओं के अंदर हम उस अधिकार को प्रयोग करके असंसदीय मानते। लेकिन ये बहस राजनीतिक दलों के दायरे में भी हो रही है, इसलिए अगर सरकार चाहती है कि UPA के समय हटाए गए शब्दों पर बहस हो तो फिर उसे सूत्रों की जगह सामने से आकर बहस को सेट कर देना चाहिए। यह होता है कि कई चीजों पर उस समय ध्यान नहीं गया, लेकिन अब अगर गया है तो इस पर समग्र चर्चा हो सकती है।
यहां कोई नहीं कह रहा कि नियमों के खिलाफ कुछ काम हुआ है। सवाल है कि जिन शब्दों को असंसदीय माना गया है उनमें से कई असंसदीय माने जा सकते हैं या नहीं, और इसे बाहर के संदर्भों से जोड़कर देखेंगे तो कुछ सवाल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण नजर आएंगे। तरह तरह के मुकदमे हो जा रहे हैं कुछ खास शब्दों के इस्तेमाल से। दिल्ली के पटियाला कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने आज पूछा कि जुबैर के खिलाफ जिस व्यक्ति ने ट्वीट किया हनुमान भक्त के नाम के हैंडल से, वह कौन है, क्या उसका बयान दर्ज हुआ है? कोर्ट ने कहा कि आपने अभी तक उसका बयान भी दर्ज नहीं किया है। पुलिस ने जवाब दिया कि जब तक वह सामने नहीं आता गुमनाम ही है, हमने संपर्क करने का प्रयास किया। जिस ट्विटर हैंडल की शिकायत पर जुबैर गिरफ्तार है, दिल्ली के अलावा यूपी की 6 जिलों में मामले दर्ज हैं, वहां की पुलिस जुबैर को ढूंढ रही है, क्या उस हैंडल का कोई पता नहीं लगा सकता? कई जिलों की पुलिस उसके पीछे नहीं जा सकती कि कौन है? यही नहीं, कोर्ट में रेजर पे का बयान भी पेश किया गया कि ऑल्ट न्यूज को उनके प्लेटफॉर्म से विदेशी चंदा नहीं मिला है। जुबैर के मामले की सुनवाई केवल दिल्ली में ही नहीं हुई, लखीमपुर खीरी और हाथरस कोर्ट में भी हुई है। सौरभ शुक्ल की एक संक्षिप्त रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के ऊपर FCRA यानी विदेशों से गैर कानूनी तौर पर चंदा लेने की धारा भी लगाई, जिस पर विंदा ग्रोवर ने कहा कि ये धारा तब लागू होती, इसका उल्लंघन तब होता जब मोहम्मद जुबैर विदेशों से चंदा ले रहे होते। मोहम्मद जुबैर की जो वेबसाइट है ऑल्ट न्यूज, उसमें साफ तौर पर जो पेमेंट का सेक्शन है उसमें लिखा है कि हम चंदा लेते हैं, लेकिन चंदा हम सिर्फ भारतीय नागरिकों के भारतीय बैंक अकाउंट से लेते हैं, हम विदेशों से चंदा नहीं लेते क्योंकि हम FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि ऑल्ट न्यूज़ को लगभग 56 लाख का विदेशी फंड मिला है, इसमें तमाम अकाउंट्स के IP एड्रेस मिले हैं जो कि विदेशों के हैं। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा कि अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में रह रहा है और अपने भारतीय अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करता है तो वह FCRA के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि कोई लड़का विदेश में रहता है वो अपने माँ बाप को अपने भारतीय अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करता है तो जाहिर सी बात है वो उसका IP एड्रेस विदेश का ही है क्योंकि विदेश में बैठकर ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन उसका पैन कार्ड भारतीय है, उसका अकाउंट भारतीय है, उसकी सिटीजनशिप भारतीय है, तो ऐसे में FCRA कानून लागू नहीं होता है। वृंदा ग्रोवर की तरफ से जुबैर के लिए आर्गुमेंट के दौरान ये भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट इस बात पर रहा कि बेल उनका अधिकार है। वृंदा ग्रोवर ने हवाला दिया 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर का, जिसमें उन्होंने सत्येंद्र अंतिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेल अधिकार है, कोर्ट जल्द से जल्द बेल के केसेस लटकाए नहीं, उनका निपटारा करे, तो उस ऑर्डर की भी जो है कोर्ट में हवाला दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो जांच कर रहे हैं जो उनको विदेशी जो जिन्होंने विदेशी चंदे दिए हैं उनके अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं। इस पर वृंदा ग्रोवर ने कहा है कि आप बताइए जिन्होंने विदेशों से चंदा दिया है उनके अकाउंट नंबर बताइए, आप उनका नाम बताइए, आप IP एड्रेस की बात कर रहे हैं और IP एड्रेस तो विदेश का हो सकता है कि अगर कोई भारतीय विदेश में नौकरी कर रहा है और उसको भारतीय अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो विदेशी IP एड्रेस हो सकता है, लेकिन क्या वो नागरिक विदेशी है, क्या उसकी नागरिकता भारत की नहीं किसी और देश की है? हवा बदल रही है तो नदी भी अपनी धारा बदल रही है। नर्मदा नदी की धारा पश्चिम से पलटकर पूरब की तरफ बहने लगी है। युगों युगों से नर्मदा की अविरल धारा पूरब से पश्चिम की ओर बहा करती थी। सरदार सरोवर बांध स्थल से मध्य प्रदेश के धार और बड़वानी जैसे जिलों में ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी की दिशा विपरीत हो गई है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरदार सरोवर बांध के गुजरात के जल संग्रहण इलाके में भारी वर्षा से ऐसा हो सकता है, हालांकि विज्ञान कुछ और कहता है। अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट। मारेवा देश की एकमात्र ऐसी बड़ी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन इस बरसात तेज हवाओं के कारण नदी में उठी लहरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि नदी ने अपनी दिशा बदल ली है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। मध्य प्रदेश के 3 जिलों अलीराजपुर, धार और बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के 140 किलोमीटर की परिधि में ये नजारा नजर आया है।
जो नर्मदा देख रहे हो आप, ये एकमात्र नदी है ऐसे की जो पूरब से पश्चिम बहती है, पर आजकल डैम बनने के बाद 2019 में भी ऐसे उल्टा पानी बहा और अभी भी ये उधर से ही पानी बढ़ते जा रहा निरंतर, अभी लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये नीचे जो महाराष्ट्र और गुजरात में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जो डैम के पहले ये गांव आते हैं उसकी वजह से ये पानी भराव हो रहा है। 12 जुलाई मंगलवार को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी अलीराजपुर, धार व बड़वानी तीन जिलों की 140 किलोमीटर के हिस्से में अपनी दिशा से विपरीत दिशा में बहती हुई नजर आई। इसके पीछे कारण है कि गुजरात में जो लगातार बारिश हो रही है और सरदार सरोवर बांध के बनने के बाद यह स्थिति बनी है कि गुजरात में बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है, जिसके चलते गुजरात का जो पानी है वो मध्य प्रदेश में आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि विज्ञान इसे गतिमान का सिद्धांत बताता है, उसके मुताबिक जब नदी की गति से विपरीत दिशा में अधिक तेज हवा बहती है तो इस तरह की लहरें उठने लगती हैं। जब आंधी चलती है तो हवा का वेग बहुत ज़्यादा होता है और इट वॉज 40 किलोमीटर्स पर आर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बहुत तेज़ी से हवा बह रही थी। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सारी चीज़ें उड़ने लगती है और तब जो हवा का जो डायरेक्शन था वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ था, इसीलिए जो रिवर के ऊपर का जो पार्ट था जिसपे नदी बह रही थी उसके ऊपर का पानी विपरीत दिशा में बहता हुआ दिख रहा था, बट एक्चुअल में नीचे से वो उसका सेम डायरेक्शन था। नर्मदा पूर्व से पश्चिम में बहती है, ऐसे में मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर पानी जाता है। मध्य प्रदेश के धार जिले के खलघाट सरदार सरोवर बांध का जल संग्रहण का सबसे अंतिम छोर है। साल 2017 में सरदार सरोवर बांध के गेट लगने के बाद अगस्त 2019 में भी इस इलाके में ऐसा नजारा दिखा था, उस वक्त भी गुजरात में भारी बारिश हुई थी। मारेवा मध्य प्रदेश में अमरकंटक में अपने उद्गम स्थल से गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। हालांकि तेज हवा और बारिश थे, लोगों को लगा कि नर्मदा ने अपनी दिशा बदल दी है, जैसे विज्ञान ने इसे नकार दिया। बड़वानी से मुनाफ, धार से साबिर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। मथुरा में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, उसके बाद उसके पांव को कुचल दिया जाता है जिसके कारण उस पैर को काटना पड़ा। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है जिसमें दो की गिरफ्तारी हो चुकी है। 35 साल की इस दलित महिला के लिए 25 मई की तारीख दिल दहला देने वाली रही। उसके मुताबिक अपने ही गांव के कुछ लोगों ने उससे हैवानियत का शिकार बनाया। चार लोगों ने महिला से बलात्कार किया। परिवार वाले बताते हैं कि आरोपियों ने महिला से बलात्कार के बाद बुरी तरह पैरों को मोटरसाइकिल से कुचला, फिर बेहोशी की हालत में उसे पटरी पर छोड़कर फरार हो गए। डेढ़ महीने तक वह मथुरा, आगरा और पलवल के अस्पताल में इलाज करवाती रही, फिर भी एक पैर काटना पड़ा, तब जाकर उसकी जान बच पाई। जी एक अड्डे से मोटरसाइकिल पर बिठा कर लाए जी एक, और फिर कोल्ड ड्रिंक लाई इसको हनुमान मंदिर पे, फिर इस नशे की वजह से ये जंगल में उसको ले गए, बलात्कार किया और इसके मोटरसाइकिल चढ़ाई जी पैरों पर, और फिर उसके बाद फिर रेलवे ट्रैक पर ये छोड़ी आई जी। न्याय चाहते हैं जी, एक न्याय चाहते हैं। हाँ जी, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। कड़ी से कड़ी सजा मिले जी। ये महिला इतनी ट्रॉमा में है कि वो बात भी नहीं कर सकती हैं, और ये वाकया तक 24 मई का है, और 24 मई को बेहोशी की हालत में ये महिला एक रेलवे के पटरी पर मिलती है, और उसके बाद में इनका तकरीबन डेढ़ महीने तक अलग अलग अस्पतालों में इलाज चलता है, और फिर इनकी जान बचाने के लिए एक टांग काटनी पड़ती है। ये एक चमत्कार ही था कि महिला की जान बच गई। डेढ़ महीने बाद जब महिला थोड़ी ठीक हुई तो चार आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें दो आरोपी महेश और महेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, बाकी दो की धरपकड़ के लिए छापेमारी चल रही है। महिला ने थाने पर आकर सूचना दी कि उसके गांव के दो व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से ले जाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए, तत्पश्चात उन दोनों युवकों द्वारा उसे बेहोशी की हालत में ट्रैक के पास छोड़ दिया गया। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई करते हुए योजना का शीघ्र ही निस्तारण किया जाएगा।
पीड़ित महिला का परिवार बेहद गरीब है। पति पहले से विकलांग है, अब महिला की इस हालत के बाद 3 बच्चे वाले इस परिवार के सामने परेशानी ये है कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे होगा। मथुरा से सौरभ गौतम के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इस रिपोर्ट का संबंध भी समाज के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों और विचारों से है। इसलिए जब भी शब्दों और विचारों पर बहस करने का मौका मिले उसमें जुट जाइए और तरह तरह की जानकारियों और संदर्भों के साथ शामिल होने की कोशिश कीजिए। धारणाओं और नतीजों को थोड़ा अलग रखिए। डॉलर के आगे रुपया कमजोर होता होता आज 80 के पार पहुंच गया। आज $1 की कीमत 80 रुपए से अधिक हो गई। चिंता मत कीजिए, अर्थव्यवस्था और उसके असर पर बहस की नौबत नहीं आने वाली है। नए नए टॉपिक आपका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए ब्रेक ले लीजिए। श्रीलंका छोड़कर भागे वहां के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से आज सिंगापुर पहुंच गए। सिंगापुर की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। सिंगापुर के विदेश विभाग ने एक बयान में ये साफ किया है कि गोटाबाया राजपक्षे को राजनीतिक शरण नहीं दी गई है, बल्कि वो एक निजी यात्रा पर सिंगापुर आए हैं। उन्होंने न तो राजनीतिक शरण की मांग की, न ही राजनीतिक शरण दी गई है। सिंगापुर आमतौर पर राजनीतिक शरण की इजाजत नहीं देता, ये बयान में कहा गया है। गोटाबाया राजपक्षे सऊदी एयरलाइंस से गुरुवार दोपहर सिंगापुर पहुंचे। श्रीलंका से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन सिंगापुर में रहने के बाद गोटाबाया संयुक्त अरब अमीरात जा सकते हैं। इस बीच आखिरकार गोटाबाया राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा गुरुवार को वहां की संसद के स्पीकर के पास पहुंच गया। सर्वदलीय बैठकों के बाद श्रीलंका की संसद अगले हफ्ते नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर सकती है। श्रीलंका की सड़कों पर गुरुवार को भी जनता विरोध प्रदर्शन में जुटी रही। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की है और सुरक्षा बलों से कहा है कि वो हालात को काबू में करने के लिए जो कदम जरूरी हो उठाएं। इसे देखते हुए गुरुवार को कोलंबो की सड़कों पर सेना उतर आई। इसके अलावा सेना के टैंक भी कोलंबो की सड़कों पर गश्त लगाते देखे गए। कोलंबो में कर्फ्यू जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के निवास और प्रधानमंत्री के दफ्तर समेत अधिकतर सरकारी इमारतों को खाली कर दिया है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने दूसरा दौर भी पार कर लिया है। बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री पद और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद की दौड़ में दूसरे दौर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। सुनक को 101 वोट मिले। उनके बाद जूनियर ट्रेड मिनिस्टर पैनी मोरडॉन्ट को 83 वोट मिले, जबकि विदेश मंत्री लिज ट्रस को 64 वोट मिले। प्रधानमंत्री पद की इस दौड़ के हर दौर में अंत में रहने वाला उम्मीदवार बाहर होता जाएगा और ये तब तक चलेगी जब तक आखिर में 2 उम्मीदवार नहीं रह जाते। उन दोनों के बीच विजेता का फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के करीब 1,60,000 सदस्य करेंगे। विजेता कंजर्वेटिव पार्टी का नेता और ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री होगा। नतीजे 5 सितंबर को घोषित किए जाएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अपने प्रचार के सिलसिले में सभी राज्यों का दौरा कर रही हैं। गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू मुंबई पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट के सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। हालांकि मुंबई में उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि बैठक के लिए उद्धव ठाकरे को न्योता नहीं भेजा गया, जबकि उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी की पसंद के खिलाफ जाते हुए द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। उद्धव गुट का कहना है कि उन्होंने समर्थन का फैसला सैद्धांतिक तौर पर किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। इन चुनावों में द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने गुरुवार को राज्य में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर दी। राज्य कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर घटाने का फैसला लिया गया। फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार ने दाम नहीं किए थे कम, लेकिन हमने ये फैसला किया है। हालांकि इससे राज्य को राजस्व में 6,000 करोड़ रुपए सालाना की हानि होगी। शिंदे का दावा है कि उनके फैसले से राज्य में महंगाई को काबू करने में भी मदद मिलेगी।
2003 के मानव तस्करी मामले में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ गायक दलेर मेहंदी की अपील पटियाला की जिला अदालत ने खारिज कर दी है। इसके बाद दलेर मेहंदी को जेल भेज दिया गया। 2018 में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसमें वो अभी तक जमानत पर बाहर थे। दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर यह आरोप साबित हुआ कि वो पैसे लेकर लोगों को अपने ट्रूप का सदस्य बनाते थे और अवैध तरीके से अमेरिका, कनाडा समेत कुछ अन्य देशों में भेजते थे। ऐसे ही कुछ लोगों के साथ उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो उनके इस रैकेट का भंडाफोड़ हो गया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।